नाटो की मदद से मिल रहे हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को टक्कर दे रहा है। और इस टक्कर के बारे में जानकारी दें आपको, इस बार ब्रिटेन से ब्रिमस्टोन मिसाइल की खेप यूक्रेन पहुंची है, जो यूक्रेन की सेना को जंग के मैदान में मजबूती देगी। इतना ही नहीं, बारूदी इस दम के बीच में ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर KH-55 मिसाइल अटैक के भी लगातार आसार जताए हैं। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में यूक्रेन दम भरकर लड़ रहा है। नाटो की मदद से मिले हथियार यूक्रेन के लिए ढाल बनकर रूस के किलर मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर देश अपने हिस्से की ताकत से यूक्रेन को मजबूत कर रहा है। ब्रिटेन से इस बार यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइल की बड़ी खेप भेजी गई है, जिसकी पुष्टि खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट से की। सहायता पैकेज के तौर पर ब्रिटेन ने ब्रिमस्टोन 2 सटीक निशाने वाली मिसाइलों की खेप यूक्रेन की सेना को पहुंचाई। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने दावा किया था कि वो यूक्रेन की सेना की मदद के लिए ब्रिमस्टोन मिसाइलों की खेप भेजेगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाली 1000 मिसाइलों को यूक्रेन भेजा गया है। साथ ही ब्रिटेन ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन की मदद करेगा। ब्रिमस्टोन का नाम ही उसकी पहचान है। ब्रिमस्टोन मिसाइल आवाज से भी तेज रफ्तार से उड़ान भरती है और दुश्मन के किले में घुसकर तबाही मचा देती है। ब्रिमस्टोन मिसाइल अचूक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। ब्रिमस्टोन की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है और एक मिसाइल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इस वक्त जर्मनी, सऊदी अरब के बारूदी गोदाम को ब्रिमस्टोन ने मजबूत किया है। नाटो का हर देश यूक्रेन की रसद और हथियार की कमी को पूरा कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 9 महीने बाद भी यूक्रेन मैदान में डटा हुआ है। लेकिन इस बारूदी सप्लाई के बीच ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को डराने वाला दावा भी किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में रूस अपने पुराने K-55 SM मिसाइलों से परमाणु हथियार हटाकर बिना वॉरहेड के मिसाइल अटैक कर सकता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस ने यूक्रेन के आसमान में अब तक अपने सबसे घातक हथियारों की गूंज सुना दी है। बस्तियां खाक हो गई हैं और घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, और अब रूस पुराने हथियारों के दम पर भी यूक्रेन में अपना डर कायम करने की फिराक में है। KH-55 SM सोवियत काल में बना सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। KH-55 SM 200 किलोटन परमाणु वॉरहेड के साथ अटैक कर सकता है। पुतिन किसी भी कीमत पर जंग में हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस की KH-55 को घातक हथियारों में गिना जाता है। ये पुतिन का वो तरकश तीर है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। अगर KH-55 से अटैक होता है तो बर्बादी तय है।